अभी आप ईमानदारी से मेहनत करना नहीं चाहते हो तो मैं कहूंगा आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ में नहीं, पीडब्ल्यू का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ये बात तुम्हें पता है। पर फिर पीडब्ल्यू ने जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे विद्यापीठ के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो भाई कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, अकेडमिकली नॉन अकेडमिकली बताओगे सॉल्व होगी। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो यार एग्जाम आप लोगों ने दे दी है ना, और एग्जाम में मचा भी दिया होगा। जैसी भी एग्जाम हुई, अच्छी बुरी, पर आगे क्या, आगे हम क्या करेंगे, आगे के हमारे सपने क्या है? कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा कि यार हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी भी चल रही होगी, कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने हमारी ऑनलाइन बैचेस में एनरोल भी कर दिया होगा और किसी भी एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म में एनरोल कर दिया होगा। पर जिन बच्चों ने अभी तक अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लिया कि आगे क्या करना है उनको, तो भाई देर मत करो, क्योंकि जल्दी शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब अपने सपने बड़े होते हैं। आज का ये जो सेशन है वो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए जिनके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है या ऑफलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि देखो यार, किसी भी मीडियम में तुम पढ़ाई करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिपेंड करता है तुम्हारा किधर मन लग रहा है, तुम्हारी ज़रूरतें क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन पढ़ाई कभी तुम्हारी बढ़िया चल रही है, कभी तुमने कक्षा 10वीं में उड़ान से पढ़ाई करी है, कक्षा 9वीं में नींव से पढ़ाई करी है, या तुमने 11वीं में अर्जुना से, 12वीं में लक्ष्य से पढ़ाई की है और तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, तुम्हारे टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई तुम ऑनलाइन में ही पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पीडब्ल्यू का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ट है, ये बात तुम्हें पता है। पर फिर पीडब्ल्यू ने विद्यापीठ क्यों ओपन किए, व्हाई पीडब्ल्यू इज देयर इन ऑफलाइन एज वेल? तो भाई उसका रीज़न है कि हमारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमको चाहिए माहौल, पढ़ाई का ऐसा माहौल जहाँ पे हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आए, हमारी लाइफ में पर्सनलाइज्ड अटेंशन आए, हम पे ध्यान दिया जाए, हमको बताया जाए कि भाई ये तुम्हारी कमज़ोरी है, ये तुम्हारी ताकत है। और जब हम कंपटीशन में उतरते हैं, जब हम जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो बारीक से बारीक बात कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमज़ोरियाँ क्या है, उन पर काम करना होता है। तो भाई इसलिए हमने लॉन्च किया है पीडब्ल्यू विद्यापीठ। तो आज का सेशन पूरा डेडिकेटेड है पीडब्ल्यू विद्यापीठ पे, कि क्या हमारा विजन है और यहाँ की क्लासरूम कैसे बाकी ऑफलाइन क्लासरूमों से अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके सारे हमारे विद्यापीठ के फीचर, और मैं आपको बता सकता हूँ पूरे गर्व के साथ कि ऑफलाइन में, ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में कोई भी आज तक ये नहीं कर पाया जो पीडब्ल्यू इस साल करने जा रहा है। तो हर एक बात को ध्यान से सुनना, और जो तुम्हारी लाइफ के डिसीजन लेते हैं उनके साथ बैठ के ये वीडियो को देखना, क्योंकि हर एक बात की मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाके बताऊंगा कि यार तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे विद्यापीठ के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और ये एडमिशन ओपन हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो बहुत सारे सेंटर के सीट पूरी तरह फुल हो गए हैं। तो आप अपनी सीट को बुक कर सकते हो ऐप पर जाकर 5,000 रुपये में, और उसके बाद नियर बाय विद्यापीठ सेंटर पे जाकर विजिट करो अपने पेरेंट्स के साथ। आपको पता लगेगा कि बाकी ऑफलाइन कोचिंग से पीडब्ल्यू विद्यापीठ क्यों अलग है। मैं जितनी भी बातें आज यहाँ पे करने वाला हूँ वो सारे फीचर का फील आपको इस वीडियो में दिलाऊंगा, और आपको रियल फील चाहिए तो नियर बाय विद्यापीठ विजिट करो अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे जाकर अपनी करियर काउंसलिंग सेशन को अटेंड करो। और बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि कौन कितनी जल्दी शुरुआत कर रहा है। कभी आप 9th क्लास में हो तो ये राइट टाइम है कॉम्पिटिशन की तैयारी करने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का। कभी आप 10th में हो तो आपके पास 3 साल है, जाओ आपको लगेगा यार कि बाकी बच्चों से मैं कुछ कदम आगे निकल चुका हूँ। कभी आप 11th में हो, 2 साल है लगकर मेहनत करने का, और कभी आप 12th में हो तो आपके पास 1 साल है। तो बच्चों समय जिसके पास ज़्यादा है वो उतनी जल्दी रेस में आगे पहुँचेगा। ओके, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बात का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि द बेस्ट विल विन द बैटल। मेहनत सब करेंगे पर जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत वही कर पाएगा जो जल्दी शुरुआत करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 13 अप्रैल से बैचेस शुरू होने वाली है इसमें एनरोल करो, क्योंकि तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा सिलेबस को कंप्लीट करने का। और कभी तुमको जानना है कि कहाँ कहाँ की सीट कंप्लीटली फुल हो गई है, एडमिशन क्लोज हो गए, तो जैसे तुम देख सकते हो क्लास 9th पटना एग्जीबिशन रोड वाले सेंटर पे एडमिशन क्लोज हो गए क्लास 9th के, कालूसराय दिल्ली एडमिशन क्लोज हो गए हैं। ओके, तो बहुत जल्दी सीट फुल होते जा रही है ना। पिछले साल भी आपने देखा था बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो 11 जेई में एडमिशन क्लोज हो गए, कोलकाता में कालीघाट सेंटर पे, दिल्ली जनकपुरी में क्लोज हो गए एडमिशन, 12th जेई में जयपुर आरएस सर्कल पे सेंटर पे पूरा 12th जेई का एडमिशन क्लोज्ड है, कानपुर में एडमिशन क्लोज्ड है, कोलकाता कालीघाट में एडमिशन क्लोज्ड है 12th जेई का। ड्रॉपर जेई का एडमिशन कालूसराय में क्लोज्ड हो चुका है। इस्कॉन टेंपल वाला जो पटना में हमारा सेंटर है वहां पे, नीट के एडमिशन की मैं बात करूं तो 11th नीट वाराणसी वाले सेंटर पे क्लोज्ड हो चुका है, दिल्ली कालूसराय में क्लोज्ड हो चुका है, 12th नीट पुणे में एफसी रोड वाले सेंटर पे क्लोज्ड है, रांची हरमू सेंटर पे एडमिशन क्लोज्ड है। फिर बात करें ड्रॉपर नीट की तो दिल्ली कालूसराय में एडमिशन क्लोज्ड है, पटना एग्जीबिशन रोड पे एडमिशन क्लोज्ड है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे विद्यापीठ में एडमिशन ऑलरेडी क्लोज्ड हो गए, तो टाइम आपके पास कम है, अपने पेरेंट्स के साथ जाओ नियर बाय विद्यापीठ सेंटर पे, करियर काउंसलिंग सेशन को अटेंड करो और जल्दी अपनी सीट को बुक करो। अब देखो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स पे आपको पता लगेगा कि एडमिशन क्लोज्ड हो गए हैं, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ सेंटर आपको बता दिए स्पेसिफिकली, मोस्ट ऑफ द सेंटर पे अभी एडमिशन ओपन है, तो जल्दी से सीट बुक करो क्योंकि लिमिटेड सीट है। तो आपने अपनी सीट तो बुक कर ली 5000 में, उसके बाद क्या करना है? तो बच्चों पीडब्ल्यू कंडक्ट करा रहा है पीडब्ल्यू सेट। अब ये क्या है? ये है स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, जहां पर आपको मिल सकती है 90% तक की स्कॉलरशिप अपनी एकेडमिक फीस पर। तो बच्चों आप देरी मत करो, अभी सेंटर पे जाओ, इस एग्जाम को दो और अपनी फीस में हैवी डिस्काउंट हासिल करो। और कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम होगा कि सर अभी हम सेंटर पे नहीं जा सकते, हम एक ही बार में सेंटर में जाएंगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू कंडक्ट करा रहा है पीडब्ल्यू सेट ऑनलाइन भी, तो आप घर पे बैठकर भी ऐप पे पीडब्ल्यू सेट को दे सकते हो और स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो बच्चों देरी मत करो, ये एग्ज़ाम आपके लिए है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको मिलेगी 90% तक की स्कॉलरशिप। पीडब्ल्यू सेट दोनों मोड में कंडक्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो ऑनलाइन की डेट से वो 25 मार्च से शुरू हो चुकी है 10 अप्रैल तक, और जो ऑफलाइन की डेट है वो स्पेसिफिकली है 25 मार्च को एक बार हमने करा चुके हैं, 2 अप्रैल को भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुकी है, अब अगली डेट है 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल को आप सेंटर पे जाके भी पीडब्ल्यू सेट को दे सकते हो और स्कॉलरशिप ले सकते हो। इसके बाद जो टाइमिंग है वो आपको दिख रहा होगा, जो ऑनलाइन का टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप कभी भी दे सकते हो। ऑफलाइन में स्पेसिफिक टाइम है 2 स्लॉट, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का एक स्लॉट है और एक 5 बजे से 6 बजे तक का एक स्लॉट है शाम का। अच्छा एक बात और, सर क्या इस सेट की कोई फीस है? नहीं बच्चों, पीडब्ल्यू बिलीव करता है अफोर्डेबिलिटी पे। हर एक बच्चा जिसमें जिद है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, जिसके सपने बड़े हैं, उनके लिए भाई ये पीडब्ल्यू सेट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप घर बैठ के भी दे सकते हो और सेंटर पे आके भी दे सकते हो। तो बच्चों पीडब्ल्यू सेट कभी तुमने दे दिया है और या देने वाले हो, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि पीडब्ल्यू विद्यापीठ बाकी ऑफलाइन कोचिंगों से अलग क्या है। तो सारी जगह टीचर तो अच्छे होते ही हैं, सब जगह ऑसम टीचर आपको मिलते हैं, पर पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ऐसा क्या है जो बाकी जगह नहीं है? तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑफलाइन क्लासरूम्स। पीडब्ल्यू विद्यापीठ की हर क्लासरूम में लगे हुए हैं कैमरा और स्मार्ट बोर्ड, मतलब आपकी हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। ऐसा भारत में कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि किसी क्लासरूम की रिकॉर्डिंग करके बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है। पीडब्ल्यू विद्यापीठ में पहली बार ऐसा होने वाला है कि आपकी हर क्लास रिकॉर्ड होगी। फॉर एग्जांपल मैं किसी दिन बीमार हूँ और मैं कोचिंग नहीं आ पाया, तो भाई आपको आपका कुछ भी बैकलॉग नहीं होगा, आपका कोई भी पोर्शन स्किप नहीं होगा, आपको वही क्लास की रिकॉर्डिंग शाम तक ऐप पर मिल जाएगी, आप घर पर बैठ के भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग नहीं आओगे। तुमने चूज़ किया है ना ऑफलाइन सेंटर, तुमने चूज़ किया है ना ये माहौल, तो भाई उस माहौल में तो रहना है ना। जब तुमने ये डिसीजन लिया है तो भाई ये केवल एडिशनल फीचर है, मिसयूज़ नहीं करना है इस फीचर। यहाँ पे आपको हर दिन मिलेगी डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, जिनका लेवल होगा जेई और नीट के लेवल के बराबर। तुम्हें पता लगेगा कि कितनी बातें मुझे क्लास में समझ में आ रही है, कितनी बातों को मैं जो क्लास में मैंने सुना उसको सुनकर क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहा हूँ। मेजर प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि पढ़ाई तो हो जाती है उनकी क्लासरूम में, पर जब वो क्वेश्चन लगाने लगते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पीडब्ल्यू की सारी डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे पास होंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में तुम अटके या किसी क्वेश्चन को तुम सॉल्व नहीं कर पाए, तो तुम्हारे पास उसका वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, उसका सॉल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा। और उसके बाद भी कभी तुमको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगले दिन क्लास में फैकल्टी उसका डिस्कशन भी करेंगे, तो तुम अपने डाउट पूछ सकते हो। तो बच्चों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में सबसे बड़ा रोल होता है टीचर्स का, उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है कॉन्टेंट। आप कौन सा कॉन्टेंट सॉल्व कर रहे हो, मतलब आप कौन से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद बच्चों
समझो केवल तुमको डीपीपी नहीं मिलेगी, यहाँ पे तुमको मिलेंगे मॉड्यूल्स, किताबें। तुमको तुम्हारा ये जो एक प्रॉब्लम होता है ना सर, कौन सी किताबें लगाए जिससे जेई और नीट में हम फोड़े, तो भाई यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज आपके अरेंज किए जाएंगे। आपको उसमें से भी फैकल्टी होमवर्क देंगे और इन मॉड्यूल का भी क्लासरूम में डिस्कशन किया जाएगा। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाकी ऑफलाइन कोचिंगों में आती है, वो आती है कि सर हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते। तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके डाउट सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको दे रहे 15 घंटे का डाउट सपोर्ट, जिसमें से 8 घंटे का डाउट सपोर्ट है आपका क्लास के बाद आपके कोचिंग में ही, मतलब आपके विद्यापीठ में ही, और 7 घंटे का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑनलाइन सपोर्ट, जो कि रात में 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके लिए डेडिकेटेड फैकल्टीज बैठे रहेंगे। मान लो कोई सवाल करते करते तुम अटक गए तो तुम रात में ही पूछोगे और इंस्टेंटेनियस तुमको सोल्यूशन मिलेगा। तो यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चों की जो मेजर प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, हमारे डाउट को केटर नहीं किया जा रहा है, हमको पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपकी क्लासरूम वाली टीचर नहीं, एक डेडिकेटेड डाउट फैकल्टी की टीम है जो सेंटर पे भी अवेलेबल रहेंगे, और रात में जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, किताबों को सॉल्व करोगे, और आपको उसको सॉल्व करते हुए डाउट आएगा तो उसको भी केटर करने के लिए हमारे पास टीम है। तो 15 घंटे का डाउट सपोर्ट आज तक भारत में किसी ने नहीं दिया है, और पीडब्ल्यू विद्यापीठ ये पहली बार करने जा रहा है। देखो कॉन्टेंट अच्छा मिल गया, क्लासरूम में टीचर अच्छे मिल गए, सर हमको डीपीपी भी मिल गई, मॉड्यूल्स भी मिल गए, सर हमने डाउट भी पूछ लिए। अब सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि सर मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो मुझे समझ में आ रहा है, क्या मैं बाकी बच्चों से अच्छा हूँ या बेकार हूँ, ये कैसे जज करोगे टेस्ट देके। तो पीडब्ल्यू लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तुम्हारे हर महीने टेस्ट होंगे जो तुमको बताएंगे कि तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो, और ये टेस्ट बाद में जाकर ऑल इंडिया लेवल पे विद्यापीठ के अराउंड होंगे। सारे विद्यापीठ के बच्चों के साथ तुम कम्पीट करोगे ऑल इंडिया लेवल पे। तो हो सकता है कभी कानपुर से बच्चा टॉप कर रहा है, कभी दिल्ली से बच्चा टॉप कर रहा है, कभी पटना से बच्चा टॉप कर रहा है। तो पीडब्ल्यू आपको वो माहौल देना चाहता है कि यार वो कॉम्पिटिशन का माहौल तुमको इस ऑफलाइन कोचिंग में मिले, और तुम अपने आप को देख पाओ कि यार तुम, मतलब मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि देखो दूसरों से कंपटीशन मत करो, खुद से कंपटीशन करो। हर महीने क्या तुम्हारे टेस्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, क्या तुम पिछले टेस्ट से बेहतर इस टेस्ट में हो रहे हो, सर ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए तुम्हें चाहिएगा टेस्ट का एनालिसिस। मेजर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि यार टेस्ट तो दे देते पर उसका एनालिसिस करना भूल जाते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई और नीट में आपको पता हैवी कॉम्पिटिशन है, आपकी लड़ाई अपने आप से है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पे काम करना है। तो भाई तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। उसके लिए पीडब्ल्यू ने बनाया टेस्ट का एनालिसिस सफलता डैशबोर्ड। पीडब्ल्यू सफलता डैशबोर्ड में आपको पूरा प्रॉपर टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा हर एक टेस्ट का। उसके अलावा आपकी हर दिन की अटेंडेंस ट्रैक की जाएगी, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप सेंटर पे हो या नहीं। उसके अलावा बच्चों आपको दिया जाएगा प्रॉपर पर्सनलाइज्ड अटेंशन हर एक बच्चे को, कि यार वो पहले टेस्ट से इस टेस्ट में कितना इम्प्रूव कर गया। जितना बच्चे कहते ना सर हमको आप एक रास्ता दिखा दो कि यार ये रास्ता है, हम आप पे भरोसा करके उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है। पीडब्ल्यू विद्यापीठ में आपको जो रास्ता हम दिखाएंगे, कभी आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। मैं हमेशा कहता हूँ ताली 2 हाथ से बजती है। भाई यहाँ से इतनी ऑफरिंग आपको मिल रही है, पर ये तभी इफेक्टिवली यूज होगी जब आप इनको प्रॉपरली यूज करोगे, डेडिकेटेडली अपना समय दोगे हर एक चीज पर। कभी आप ईमानदारी से मेहनत करना नहीं चाहते हो तो मैं कहूंगा आप पीडब्ल्यू विद्यापीठ में नहीं आओ। जो बच्चे डेडिकेटेड है, मेहनती है, और जिनके लिए सपने सब कुछ है, देखो ये 2 साल या 3 साल या 1 साल, जितना भी साल तुम्हारा बचा है जेई और नीट की एग्जाम के लिए, ये तुम्हें अपने आप को देने, अपनी प्रिपरेशन को देने। इन सालों में तुम्हें सारी चीज़ों से दूर होना है और मेहनत करनी है, और भाई पीडब्ल्यू विद्यापीठ तुम्हें वो माहौल देगा मेहनत करने का और मेहनत करवाएगा, क्योंकि तुम्हारी हर दिन की रिपोर्ट तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंचेगी। तुमको हर दिन होमवर्क तुम करके आ रहे हो कि नहीं, ये तुम्हारे टीचरों को पता होगा। तो जो बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, जिनको बोलना पड़ता है पढ़ाई करने का, उन बच्चों के लिए पीडब्ल्यू विद्यापीठ एक वरदान साबित होगा। अब एक और प्रॉब्लम आती है, जब जेईई नीट की बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे
की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, बच्चा हमारा कैसा कर रहा है क्लास में, बच्चा रोज क्लासरूम में एक्टिवली आंसर देता भी है या बस चुपचाप पीछे की बेंच पे गुमसुम होकर बैठा रहता है। तो यार उसके लिए हम रख रहे हैं रेगुलर पीटीए मीटिंग, मतलब आपके पेरेंट्स को सेंटर पे बुलाया जाएगा, उनके साथ बातें की जाएगी, उनको आपकी कमजोरियां बताई जाएगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के ये 5 पॉइंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लर्निंग। लर्निंग के लिए हमारे पास बेस्ट टीचर है, एक्सपीरियंस्ड टीचर है, रैंक प्रोड्यूसिंग टीचर है। उसके साथ साथ आपको लगता है कंटेंट, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कंटेंट यहाँ का बेस्ट आपको मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड पिलर आता है वो आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट होगी क्लासरूम में भी, उसके अलावा आपको मॉड्यूल भी दिए जाएंगे जहाँ पे आपकी इनफ प्रैक्टिस होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका रिविजन, तो भाई फ्रिक्वेंटली बेसिस पे आपको चीज़ों को रिवाइज भी कराया जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेस्ट, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उस डाउट। तो यार ये सारे पांचों पिलर कभी आप फॉलो करोगे, ये पांचों चीज़ों को कभी आप फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बच्चों आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी और पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि क्या है ना, जेईई और नीट की तैयारी एक मैराथन रेस की तरह है। कई बार तुमको टॉपिक इजी लगेगा, कई बार तुमको टॉपिक वीक लगेगा, पर तुमको ये सारे जो फीचर हम दे रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, डाउट रेगुलरली पूछने हैं, कोई भी डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है, टेस्ट रेगुलरली देने हैं, उनका एनालिसिस रेगुलरली देखना है, और अपने पेरेंट्स से कोई भी बात छिपानी नहीं है। जो तुम्हारे दिल में आए उनको बताओ, क्योंकि तुम उनसे दूर रह रहे हो, उनसे कोई भी बात छिपाना मत, है ना। उनको हर एक बात बताना जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उनको भी, और सेंटर पे जो तुम्हारे गार्जियंस होंगे उनको भी। पीडब्ल्यू भाई बिलीव करता है उसकी सर्विसेज पे, पीडब्ल्यू बिलीव करता है बच्चों के वेलफेयर में काम करने के लिए। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, अकेडमिकली नॉन अकेडमिकली बताओगे सॉल्व होगी, पर बताना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक हैवी सरप्राइज तुम लोगों के लिए पीडब्ल्यू लेकर आ रहा है। पीडब्ल्यू सेट की डेट मैंने जो बताई थी 10 अप्रैल तक है, उसको पीडब्ल्यू ने एक्सटेंड कर दिया है 16 अप्रैल तक। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेजरली बच्चों की क्लासेस 17 अप्रैल से शुरू होने वाली है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई जितने भी बच्चे पीडब्ल्यू विद्यापीठ में आ रहे हैं वो पीडब्ल्यू सेट ज़रूर दे, ठीक है। तो यार ये वाली एग्ज़ाम सबको देनी है और हैवी स्कॉलरशिप लेनी है अपनी एकेडमिक फीस में। अभी तक हमने पीडब्ल्यू विद्यापीठ की बहुत सारी बातें करी, पर इसको तुम्हें फील भी करना है तो एक टूर करते हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, पढ़ाई कैसे होगी, डाउट कैसे सॉल्व होंगे, लाइब्रेरी कैसी होगी, और भाई तुम पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन कैसे दिया जाएगा। तो एक बार उसका पूरा फील लेते हैं। मैं तुमको एक एक करके सारे विद्यापीठ का एक बार बताता हूँ कि कौन कौन से शहरों में विद्यापीठ है और विद्यापीठ कैसे दिखेंगे। हो तैयार मेहनत करने के लिए, मचाने के लिए, सिलेक्शन के लिए। Yeah!